हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यापम की जेल प्रेरी की एग्जाम के लिए जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 8 देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने टोटल 7 पार्ट्स अपलोड कर दिए। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज फ्रेंड्स, पहले आप उन्हें भी देख लीजिए। और जितने भी हमारे न्यू मेंबर्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों, आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो करिएगा। दोस्तों, आप हमें अनअकैडमी पर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप हमें वहां पर सचिन सिलावट नाम सर्च करके भी दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वहां पर मैं एमपी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, हिंदी के क्वेश्चंस, व्यापम के एग्जाम के लिए और रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्कशन कर रहा हूं, जहां पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रहा है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाकर उन सारे लेसन को देख सकते हो और आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर क्या है कि जातक कथाएं निम्न में से किस धर्म के लेख है। दोस्तों, यहां पर ये जतका नहीं है, जातक होगा। यहां पर क्या होगा, जातक कथाएं जो है निम्न में से किस धर्म के लेख है। तो दोस्तों, ऑप्शंस यहां पर क्या है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, बहाई धर्म है और इस्लाम धर्म है। तो दोस्तों, जो जातक कथा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और दोस्तों, ये जो है बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कथाएं क्या कहलाती है, दोस्तों जातक कथाएं कहलाती है। क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित है और बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित जो कथाएं होती है वो जातक कथाएं कहलाती है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहां पर क्या बोला है कि किस वर्ष में जापान के शहर हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। दोस्तों, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है कि किस वर्ष में जापान के शहर हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। दोस्तों, ऑप्शंस क्या है, 1940, 45, 48 और 52। तो दोस्तों, जापान के जो हिरोशिमा शहर है उस पर 1945 को बम गिराया गया था दोस्तों। और आप ये डेट भी याद रखिए, हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था वो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और दोस्तों, एक और जगह बम गिराया गया था जापान में, वो था नागासाकी, नागासाकी, जहां पर दोस्तों 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था दोस्तों। तो ये आप याद रखिएगा कि जो किस वर्ष में जापान के शहर हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, तो 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। अगर आपको सन दे दिया जाता है तो सिर्फ क्या हो जाएगा, 1945 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहां पर क्या बोला है कि जो गोबी रेगिस्तान है वो कहां पर स्थित। दोस्तों, ये आईएमपी क्वेश्चन है ये कि गोबी रेगिस्तान जो है वो कहां पर स्थित है। दोस्तों, ऑप्शंस क्या है, रूस है, कजाकिस्तान है, मंगोलिया और कोरिया है। तो दोस्तों, ये जो गोबी रेगिस्तान है वो है मंगोलिया में। और दोस्तों, मंगोलिया कहां पर है, तो चीन में है। तो आप ये भी याद रखिए, गोबी रेगिस्तान कहां पर स्थित दोस्तों, तो मंगोलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहां पर क्या है कि भोजपुरी में कौन सा पर्व पहगवा के नाम से जाना जाता है। मतलब दोस्तों, भोजपुरी में जो एक पर्व होता है पहगवा, वो किस नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ऑप्शन यहां पर क्या है, पोंगल है, दिवाली है, क्रिसमस है और होली है। तो दोस्तों, ये पहगवा जो पर्व है भोजपुरी में, इसको होली के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहां पर क्या बोला है कि जो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, किसको विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यहां पर जो पूछा है वो पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन जो है वो किस दिवस को मनाया जाता है। दोस्तों, तो ऑप्शंस आपके सामने है, 20 सितंबर है, 22 सितंबर है और 27 सितंबर और 25 सितंबर। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या बोला है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है या सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, तो ऑप्शन क्या है, चंबल, बेतवा, सिंधु और नर्मदा। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी या लंबी नदी है वो कौन सी है दोस्तों, नर्मदा है। जिसमें दोस्तों, इसकी मध्य प्रदेश में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, एमपी में जो इसकी लेंथ है वो है 1077 मीटर, तथा जो दोस्तों इसकी कुल लंबाई, जो टोटल जो इसकी लंबाई है वो कितनी है दोस्तों यहाँ पर, तो 1312 मीटर इसकी कुल लंबाई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा था कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नर्मदा। लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी जो लेंथ है वो है 1077 मीटर है, और टोटल जो इसकी लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, 1312 मीटर इसकी क्या है दोस्तों, लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या बोला है कि एक रंगहीन गंधहीन गैस जो हवा से भारी है और आग बुझाती है। दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन से कि एक जो रंगहीन गंधहीन गैस और जो क्या होती है, हवा से भारी है और क्या करती है, आग बुझाती है, तो वो कौन सी है। तो दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड है ऑप्शंस में, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन परऑक्साइड है। तो दोस्तों, एक रंगहीन गंधहीन गैस जो हवा से भारी और आग बुझाती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और इस गैस का उपयोग कहां होता है दोस्तों, आग बुझाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस क्या है, नथुने है, श्वास नली है, ब्रोंकाई है और
फेफड़े। तो श्वसन तंत्र का जो मुख्य अंग है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, फेफड़े। ऑप्शन डी सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहां पर क्या है कि प्रसिद्ध जो राज रानी मंदिर है वो कहां पर स्थित है। दोस्तों बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रसिद्ध जो राज रानी मंदिर है वो कहां पर स्थित है। दोस्तों ऑप्शन क्या है, भुवनेश्वर है, बेंगलुरु है, मुंबई है और पुरी है। दोस्तों प्रसिद्ध जो राज रानी मंदिर है वो भुवनेश्वर में स्थित है, और दोस्तों भुवनेश्वर कहां पर है तो उड़ीसा में। उड़ीसा की क्या है दोस्तों ये राजधानी है। तो बहुत बार ऑप्शन में आपको उड़ीसा भी दे दिया था कि प्रसिद्ध राज रानी मंदिर कहां पर स्थित है, तो भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में, और भुवनेश्वर क्या है उड़ीसा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि जल का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है। ऑप्शन यहाँ पर क्या है दोस्तों, सरोवर है, नदियां है, सागर और वर्षा। दोस्तों जल का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है वर्षा का जल, मतलब ऑप्शन डी क्या होगा सही आंसर होगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है कि कौन सा फल जो है वो विटामिन सी देता है, या फिर ये कह सकते हैं कि कौन से फल में विटामिन सी होता है। और आपके सामने ऑप्शंस क्या है दोस्तों, पपीता है, चीकू है और संतरा और सेब। दोस्तों जो विटामिन सी होता है वो खट्टे फलों में होता है, तो यहाँ पर क्या होगा संतरा इज राइट आंसर होगा, या तो संतरा होगा। आंवले में भी क्या होता है दोस्तों, विटामिन सी होता है दोस्तों। और विटामिन सी जो है इसमें कौन सा अम्ल होता है दोस्तों, तो साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा वाला, साइट्रिक अम्ल इसमें होता है। तो आप ये भी याद रखिए कि विटामिन सी में कौन सा अम्ल होता है, तो साइट्रिक अम्ल होता है। विटामिन सी जो है वो किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो खट्टे फलों में से संतरा हो गया, आंवला हो गया, इनमें क्या है विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि 1971 में स्थापित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आप ये सन याद रखिए कि 1971 में स्थापित इंदिरा गांधी परमाणु केंद्र कहां पर स्थित है। दोस्तों यहां पर आपसे क्या पूछा है कि 1971 में जो स्थापित हुआ था इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र वो कहां पर स्थित है। दोस्तों ऑप्शंस क्या है यहां पर, कलपक्कम है, श्रीहरिकोटा है, तिरुवनंतपुरम है और बेंगलुरु है। तो दोस्तों 1971 में जो स्थापित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र वो कलपक्कम है। और दोस्तों कलपक्कम कहां पर है दोस्तों, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आप ये भी याद रखिए कहां पर है, आंध्र प्रदेश, क्योंकि ऑप्शन कई बार आंध्र प्रदेश भी दे दिया जाता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या बोला है कि जो गुजरात का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो क्या है। आपसे पूछा गया है कि गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। दोस्तों ऑप्शंस क्या है, भरतनाट्यम है, डांडिया है, सोलो है या कथक है। तो दोस्तों गुजरात का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो क्या है दोस्तों, डांडिया है। अब यहां पर हम बात करें दोस्तों भरतनाट्यम, तो ये कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों, तो ये तमिलनाडु का है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का। जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का। डांडिया कहाँ का है दोस्तों, तो ये है गुजरात का, जैसा कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कथक की, तो कथक जो है दोस्तों ये यूपी का है, मतलब उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। तो दोस्तों ये तीनों ही लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो भरतनाट्यम हो गया, डांडिया हो गया और कथक हो गया। तो भरतनाट्यम हो जाएगा आपका तमिलनाडु से, डांडिया जो हो जाएगा गुजरात से, कथक कहाँ से हो जाएगा, तो ये उत्तर प्रदेश या यूपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है यहाँ पर कि चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण्य, चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। और ऑप्शंस तमिलनाडु दिया हुआ है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। तो दोस्तों चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो भारत के केरल राज्य में स्थित है। तो आपका ऑप्शंस क्या होगा यहाँ पर, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों को क्या बोला है कि कौन सा स्थल जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। मतलब दोस्तों आपको चार ऑप्शंस गिवन है और पूछ लिया गया है कि कौन सा स्थल जो मध्य प्रदेश में नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन जैसा कि ग्वालियर, तो ग्वालियर का किला कहां पर दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में। तो ये तो आपका ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट क्या दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहां पर दोस्तों, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद बात करें हम ओमकारेश्वर मंदिर, तो ये भी मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों आपका बचा हुआ ऑप्शन क्या होगा, फोर जो है वो क्या है कि मध्य प्रदेश में नहीं है। दोस्तों फिर सोमनाथ मंदिर कहां पर है, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात राज्य में। कहां पर है, गुजरात राज्य में सोमनाथ मंदिर स्थित है। जबकि ग्वालियर का किला ग्वालियर में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है, ओमकारेश्वर कहां पर दोस्तों, मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश में। तो आपका ऑप्शन बचा हुआ कौन सा, डी क्या होगा, सही होगा, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या बोला है कि विश्व में नवीनतम देश कौन सा है, या विश्व में नवीनतम देश है। ऑप्शन क्या है यहाँ पर दोस्तों, इरिट्रिया है, पूर्वी तिमोर है, दक्षिण सूडान है और पलाऊ है। तो दोस्तों विश्व में जो नवीनतम देश है वो है दक्षिण सूडान। दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये कि विश्व में नवीनतम देश कौन सा है दोस्तों, तो दक्षिण सूडान विश्व का नवीनतम देश है। और दोस्तों ये जो है यूएनओ का कौन से नंबर का देश था, यूएनओ का जो है वो 194वां देश है, 194वां देश है यूएनओ। या यू बोल सकते हैं कि यूएन का जो सदस्य है, यूएनओ का जो सदस्य है वो कौन सा, 194वां।
और आखिरी और विश्व में कौन सा दोस्तों ये नवीनतम देश, तो दक्षिण सूडान इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों आप हमें अनअकैडमी पर, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप हमें वहां पर फॉलो कर सकते हो दोस्तों, जो कि मैंने वहां पर व्यापम की रीजनिंग, हिंदी और एमपी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कशन किया है, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। तो आप वहां से जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हो और सारे लेसन को देख सकते हो। थैंक यू।